सादर प्रणाम आप सभी को हमारा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube फैमिली में आप सभी का। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। विषय पे जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन यानी ऑल कर लीजिए, जिससे हमारे लाइव आने की इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ वीडियो अपलोड करने की आप सभी की नोटिफिकेशन में आ पाए। चलिए अब चलते हैं अपने विषय की तरफ। पॉजिटिव होना है लाइफ में तो मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान आप सबको रखना होगा, तब आप ज़रूर सकारात्मक इंसान बन पाएंगे। आप देखिए फिर आपकी लाइफ में कितने अच्छे अच्छे बदलाव होंगे, बिल्कुल पॉजिटिव पर्सन आप बन जाएंगे। आइए चलते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो पॉइंट्स कौन सब हैं जिनको हम समझकर, जिनको अपने लाइफ में अपनाकर, अमल कर हम एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक इंसान बन पाएंगे। पहला पॉइंट, अच्छा बोलें। दूसरा पॉइंट, अच्छा देखिए। तीसरा पॉइंट, अच्छा सोचिए। और चौथा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अच्छा सुनिए। जी हाँ, ये चार पॉइंट ऐसे हैं जिनको अपनाकर आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव कर पाएंगे। यकीन मानिए आपकी लाइफ में अगर कुछ भी गलत हो रहा होगा तो देखिएगा धीरे धीरे, इस पे यकीन कीजिए। अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए और साथ ही साथ अच्छा सोचिए। आप देखिए जब इसको लाइफ में आप अपनाएंगे तो आपके लाइफ में कैसे पॉजिटिव बदलाव आएंगे, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आइए जानते हैं हम इसे विस्तृत रूप में यानी अच्छे से समझते हैं कि आखिर इन चार पॉइंट्स का महत्व क्या है। सबसे पहले पॉइंट को हम समझते हैं, अच्छा सोचिए। जी हाँ, जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें ही आएंगी, गलत बातें नहीं आएंगी। किसी के बारे में कुछ भी अपने डेली लाइफ में जब भी कुछ सोचें तो अच्छी चीज़ें सोचें। जब हम अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो लाइफ भी अच्छे में तब्दील होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम सब पहले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, अच्छा सोचें। जी हाँ, अच्छा सोचने से यहाँ मतलब है कि जब भी हम कोई डेली लाइफ में काम करते हैं यानी किसी से मिलते हैं, कोई वर्क होता है, कुछ भी, तो हम अगर लाइफ को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हैं, तो हमारे लाइफ में जो चेंज होते हैं यानी बदलाव होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। तो इसीलिए अच्छा सोचना किसी भी चीज़ के लिए बेहद ज़रूरी है। जब आप अपने लाइफ में किसी के बारे में, कोई भी काम में या अपने ही बारे में हमेशा अच्छा सोचेंगे तो आपके थॉट प्रोसेस में हमेशा अच्छी बातें आएंगी। तो लाइफ को अच्छे से जीने का प्रयास कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सोचिए, इसमें नकारात्मक बात, इसमें निगेटिव बात माइंड में नहीं आने दीजिए। अब हम सब अपने दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, अच्छा बोलिए। जी हाँ, जब हम अच्छा सोचते हैं तो ऑटोमेटिक किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि हम जो भी बोलते हैं अपने लाइफ में वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माइंड के वजह से बोलते हैं, चाहे किसी के बारे में पॉजिटिव बोलें चाहे किसी के बारे में निगेटिव बोलें, दोनों ही सूरतों में हम लोग अपने जो भी बोलचाल हमारी रहती है वो माइंड से होती है, दिमाग से निकलती है और कहीं से नहीं। तो कोशिश कीजिए कि जब हम अच्छा सोचते हैं तो किसी के बारे में भी अच्छा बोलें। जब हम अच्छा बोलते हैं तो इस यूनिवर्स को हम अच्छी चीज़ें देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक हमारे पास यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड भी अच्छी बातें ही वापस भेजता है, यानी मैनिफेस्ट होती है कोई भी चीज़। तो हमेशा अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही वापस आएगा। अब हम सबका तीसरा पॉइंट है, अच्छा सुने। जी हाँ, जब हम अच्छा सोचते हैं तो ऑटोमेटिक अच्छा बोलते हैं, जब हम अच्छा बोलते हैं तो ऑटोमेटिक हम अच्छा सुनते भी हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा नहीं सुनेंगे तो फिर हम अच्छा किसी के बारे में बोल कैसे पाएंगे। अगर कहीं भी गलत बातें होती हैं तो आप कोशिश करें कि वहाँ पे अच्छी बातें बोलें,
ताकि दूसरे इंसान भी उस चीज़ से सीख लें। अगर फिर भी वो इंसान नहीं समझ पा रहा है तो आप बस लेट इट गो कर दो और बस अपने तरीके से उस इंसान के बारे में अच्छा ही बोलो, क्योंकि हम अच्छा बोलेंगे तभी तो अच्छा सुन पाएगा। तो ऑटोमेटिक जहाँ भी कोई अच्छी बातें हो रही हों उन्हें ज़रूर समझने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें और अच्छी बातें को जहन में ज़रूर उतारने का प्रयास करें। आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जब भी कुछ हम अच्छा सुनते हैं तो हम अच्छा ही सोचते हैं, और अच्छा सोचते हैं तभी हम अच्छा सुन पाते हैं, सर्च कर पाते हैं। तो हमेशा अपने आसपास या कोई भी चीज़ सर्च करें, कहीं भी सुनें, तो हमेशा अच्छी बातें सुनने का प्रयास करें। जहाँ कुछ गलत बातें हो रही हो वहाँ से हटने का प्रयास करें, दूर जाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम गलत चीज़ें सुनेंगे तो फिर हमारे दिमाग में गलत चीज़ें ही आएंगे। तो इसीलिए अच्छा सुने तो अच्छे सोच सकते हैं। अब हम सब अपने आखिरी पड़ाव यानी फोर्थ पॉइंट पर आ चुके हैं। फोर्थ पॉइंट है हम सब का अच्छा देखें। अच्छा देखने से यहाँ तात्पर्य है कि हमेशा कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा देखने का सोचें, क्योंकि जो भी चीज़ हम देखते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतरता है, यानी वही चीज़ हम सोचते हैं, और जो चीज़ हम सोचते हैं तो ऑटोमेटिक हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं। ये तो आप जानते हैं, ये तो बोलने की मुझे आवश्यकता है नहीं। तो इसीलिए हमेशा हम लोग जो बोलते हैं कि कुछ अच्छा देखिए, क्योंकि जब हम अच्छा देखते हैं तो हमारे अंदर हमारी जो आँखों से, जो दृष्टि से हम इस दुनिया को देख रहे हैं, तो हम कुछ अच्छा देखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में दिन भर वही चीज़ घूमता है, वही अच्छी चीज़ें घूमती है। तो हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, जब हम अच्छा सोचते हैं तो हम साथ ही साथ अच्छा बोल भी लेते हैं, फिर अच्छा सुनने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आप सबको बेहद पसंद आया होगा। आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि एक पॉजिटिव लाइफ जीने के लिए क्या चार इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ, फर्स्ट अच्छा देखें, सेकेंड अच्छा सुने, थर्ड अच्छा बोले, और फोर्थ अच्छा सोचे। जी हाँ, अगर हम ये चार पॉइंट अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने माइंड में हमेशा बैठा कर रखें और इस पे अमल करें, सिर्फ दिमाग में रखने से नहीं होगा, लाइफ में अमल करने से भी होगा, लाइफ में से अपना के भी चलना होगा। तो अगर हम इस चीज़ को अपना के चलेंगे तो फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे पॉजिटिव नहीं होती है, कैसे अच्छे बदलाव नहीं होते हैं। अगर अच्छा लगा ये टॉपिक हमारा आज का तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही हमारा साथ देते रहें, सपोर्ट करते रहें। आप सबके आशीर्वाद, आप सबके ब्लेसिंग की मुझे बहुत ज़रूरत है। सभी भाई बहन ऐसे ही सपोर्ट हमें करते रहें। और बस आज के लिए इतना ही, इसी पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। और साथ ही साथ आप लोग को यही बोलना चाहूँगी कि हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वी शेयर वी ग्रो। प्रणाम।